हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज का दिन है जनवरी 31, 2020। तो जनवरी 31, 2020 के जो सबसे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है उसको आज हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यू फॉर्मेट में, और उसके साथ उसके डिटेल्स भी। तो यहाँ पे जो हमारी रोजाना जो करंट अफेयर्स देती है बिपांची मैडम, तो वो अभी लीव पे है कुछ दिनों के लिए, तो उनकी बिहाफ में मैं यहाँ पे करंट अफेयर्स ये दे रहा हूँ एमसीक्यू फॉर्मेट में। तो आशा करते हैं इससे आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिलेगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोज की नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इंडियन नेशनल कमीशन फॉर कॉपरेशन, तो इसने जो कौन से संस्था के साथ इसकी स्थापना की है, तो इंडियन नेशनल कमीशन फॉर कॉपरेशन इसकी स्थापना हुई है यूनेस्को के साथ मिलके। ओके, तो यहां पे ये जो कंस्ट्रक्ट किया गया है कि 2030 तक जो भी 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उसके ऊपर भारतीय गवर्नमेंट जो काफी इंटरेस्ट दे रही है यहां पे उसको अचीव करने के लिए यहां पे, तो उसके यहां पे जो कंस्ट्रक्शन के लिए इसकी स्थापना की गई है। तो जैसे कि हम जानते हैं वर्ल्ड बैंक, इसका जो हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है जेनीवा स्विट्जरलैंड में, देन यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो वियना ऑस्ट्रिया में, और यूनेस्को जो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में। तो यहां पे अगर बात करेंगे यूनेस्को, तो इसकी स्थापना हुई थी 1945 में, और इनके जो हेड है उसका नाम है ऑद्रे ओजोले। और यहां पे अगर बात करेंगे यूनेस्को जो इंडिया में जो ऑफिस है वो जो है क्लस्टर है 11 कंट्रीज की, यानी कि उस ऑफिस में 11 कंट्रीज की यहां पे क्लस्टर होती है। वो 11 कंट्री कौन सी है, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश भी है इसमें, पाकिस्तान है, श्रीलंका, मालदीव्स, अफगानिस्तान, ईरान, म्यांमार, मंगोलिया और ऑब्वियसली इंडिया। और ये ऑफिस जो इंडिया का यूनेस्को का ऑफिस है, तो 11 कंट्रीज इसमें शामिल है। इंडियन रेलवेज ने एक प्लान किया है कि RFID इसको इंप्लीमेंट करेगी। इसमें R का मतलब क्या है, तो इसमें R का मतलब है रेडियो। ओके, तो इसका फुल फॉर्म जो है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। तो यहां पे इस प्रोग्राम के तहत जो लगभग 3,500 जो कोचेस है इंडियन रेलवेज को, उन लोग को जो है रेडियो फ्रीक्वेंसी के तहत यहां पे उसकी जो डेटा एक्सचेंजेस है उसको यहां पे डिजिटलाइज किया जाएगा। तो यहां पे जो है भारतीय रेलवेज के अलग अलग जो जैसे कि कैरियर होते हैं, लोकोमोटिव इंजिन्स होती है, वैगन्स होती है, या फिर जो भी अदर व्हीकल्स है उसको यहां पे ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन के जरिए उसको ट्रैक किया जा सकता है। तो यहां पे अगर बात करेंगे इंडियन रेलवेज ने इससे पहले और एक ऐसा ही डिजिटल वेब पोर्टल स्टार्ट किया था जिसका नाम था क्रिस। तो यहां पे ये क्या करती थी, ये जो इंफॉर्मेशन सिस्टम को इंडियन रेलवेज के साथ यहां पे मॉनिटर और डेवलपमेंट और उसके साथ मेंटेनेंस भी करती थी। तो इंडियन रेलवे जो है दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट रेलवे सिस्टम है, और जिसकी टोटल जो लेंथ लगभग 65,000 किलोमीटर में भारत में फैली हुई है। तो इसका सही आंसर है रेडियो, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। संप्रीति, ये भारत और कौन से देश के बीच में जो मिलिट्री यानी कि इंडियन आर्मी के एक्सरसाइज किया जाता है भारत, तो ये भारत संप्रीति करती है बांग्लादेश के साथ, याद रखिएगा संप्रीति बांग्लादेश। तो ये जो नेक्स्ट संप्रीति का जो एक्सरसाइज होने वाली है यहां पे होने वाली है 3 फरवरी से, जो मेघालय के जो उमरोई एरिया में ये होने वाली है। तो यहां पे अगर बात करेंगे यूनाइटेड नेशंस के यहां पे कुछ चार्टर्स होते हैं, इसके हिसाब से यहां पे जो है कमांड पोस्ट एक्सरसाइज और फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज इंक्लूड करनी चाहिए। तो यहां पे अगर बात करेंगे 2017 में भारत और जो बांग्लादेश ने यहां पे एक डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया था, फिर उसके बाद से ही दोनों ही देशों के बीच में जो मिलिट्री एक्सरसाइज स्टार्ट हुई है। और अगर बात करेंगे जो भारत और बांग्लादेश के बीच में, ये तो हो गई मिलिट्री एक्सरसाइज यानी कि आर्मी एक्सरसाइज, जो नेवी एक्सरसाइज है ये स्टार्ट हुई थी दिसंबर 2019 यानी कि कुछ ही दिन पहले स्टार्ट हुई है। तो यहां पे अगर बात करेंगे जो विशाखापट्टनम में जो भारत और बांग्लादेश के जो नेवल जो है उसने एक्सरसाइज किया था जिसका नाम था कॉर्पेट।
तो याद रखिएगा भारत और बांग्लादेश के बीच में जो नेवल एक्सरसाइज होता है उसका नाम है कॉर्पेट। कॉर्पेट का फुल फॉर्म है कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल। और बात करेंगे भारत और श्रीलंका के बीच में जो मिलिट्री एक्सरसाइज होता है उसका नाम है मित्र शक्ति। भारत और रशिया के बीच में जो होती है उसका नाम है इंद्र। भारत और नेपाल के बीच में जो होती है उसका नाम है सूर्य किरण। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के हिसाब से जो बजट फॉर्मुलेट किया जाता है उनमें से कौन से स्टेट ने उसमें टॉप किया है? तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के हिसाब से बजट के फॉर्मुलेशन में टॉप किया है आसाम ने। तो यहां पे उड़ीसा जो है सेकेंड रैंकिंग पे थी और सबसे लोएस्ट रैंकिंग पे तीन राज्य थी गोवा, महाराष्ट्र और पंजाब। तो यहां पे चार पैरामीटर्स में ध्यान दिया जाता है। कौन सी है, जैसे कि बजटरी प्रोसेस कैसी होती है, यहाँ पे पब्लिक के साथ यहाँ पे डिस्क्लोजर कैसे किया जाता है, देन पोस्ट बजट फिस्कल मैनेजमेंट उसको देखा जाता है यहाँ पे, जो फिस्कल मैनेजमेंट यानी कि जो यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर होती है और उसका जो यहाँ पे जो टैक्सेस आती है यहाँ पे उसका एक्सपेंडिचर कैसे होते हैं उसको यहाँ पे देखा जाता है, और यहाँ पे जो बजट उसको प्रस्तुत किया जाता है वो कितनी सिटीजन फ्रेंडली है। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो यहाँ पे अलग अलग क्रिमिनल एक्टिविटीज को यहाँ पे मिजर और प्रिवेंट करने की कोशिश करती है। तो ये जो है यूनेस्को का ही एक पार्ट है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल कॉम्पैक्ट, और जिसका हेडक्वार्टर है जर्मनी में। तो इसका सही आंसर जो है आसाम। कौन से स्टेट जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में टॉप रैंकिंग हुई थी? तो यहां पे यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP इसके जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो थे, तो यहां पे जो है इसको जो है भारत में जो अलग अलग राज्यों में जो ये रिलीज करते हैं, ये रिलीज कौन करती है? नीति आयोग। तो इसमें जो है टॉप किया था तेलंगाना ने। तो यहां पे अगर बात करेंगे जो सेकेंड रैंकिंग पे आंध्र प्रदेश और कर्नाटका, तो आंध्र प्रदेश और कर्नाटका का लगभग सेम यहाँ पे स्कोर मिले थे। तो तेलंगाना को जो यहाँ पे स्कोर मिले थे टोटल 82 स्कोर मिले थे, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका को यहाँ पे 72 इक्वल ही स्कोर मिले हैं। तो यहाँ पे अगर तेलंगाना के डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पे अगर बात करेंगे जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, तो उन्होंने इकोनॉमिक ग्रोथ 75% से बढ़ा के उनको 82% उन्होंने किया था, और देन क्लीन वाटर और सैनिटेशन के ऊपर जो उन लोगों ने 55% से बढ़ा के उसको 84% तक अचीव कर लिया था। और बात करें अगर इंडस जो सस्टेनेबल सिटीज और सैनिटेशन के ऊपर उन लोग ने उसकी डेवलपमेंट को 44% से बढ़ा के 62% तक किया था। तो इसका जो सही आंसर है तेलंगाना। और रिसेंटली वर्ल्ड सस्टेनेबल समिट जो हुई थी वो ऑर्गेनाइज एक वहां पे कॉन्फ्रेंस हुई थी, वो हुई थी मीटिंग न्यू दिल्ली में। सूरज कुंड मेला ये कौन से राज्य में ऑर्गेनाइज किया गया? तो ये सूरज कुंड मेला ऑर्गेनाइज किया गया हरियाणा में। तो यहां पे भारत के जो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी, तो ये जो है 1 फरवरी 2020 को जो है इसका अनावरण करेंगे। तो ये जो है 34th जो इंटरनेशनल क्राफ्ट जो फेयर सूरज कुंड मेला में यहां पे आयोजित किया जाता है, लगभग इसमें 20 कंट्रीज पार्टिसिपेट करती है, और इस बार जो पार्टनर कंट्री है वो है उज्बेकिस्तान। तो उज्बेकिस्तान पूछा जाता है, जो पार्टनर कंट्री है यहां पे उज्बेकिस्तान, और ये जो मेला है ये बेसिकली जो टूरिज्म जो है उसको प्रमोट करती है। इसका सही आंसर है हरियाणा, सूरज कुंड मेला हरियाणा। आसाम राइफल्स ने रिसेंटली एक वॉर मेमोरियल जो है इनमें से कौन से स्टेट में इसका निर्माण किया है? तो ये वॉर मेमोरियल निर्माण किया है नागालैंड में। तो यहां पे जो है नागालैंड का यहां पे मुकुकचंग जो एरिया है वहां पे इसको निर्माण किया गया है। तो यहां पे 357 लोग जो है यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज में जो इंसर्जेंसी के वजह से उन लोगों ने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया था, तो उनके यहाँ पे स्मरण के लिए ये स्मारक बनाया गया है। और बात करेंगे अगर असम राइफल्स, तो ये इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स है जिसकी स्थापना हुई थी 1835 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है शिलोंग में, शिलोंग जो मेघालय की राजधानी है। और यहाँ पे जो असम राइफल्स जो इंडो म्यांमार बॉर्डर में यहाँ पे प्रोटेक्ट भी करती है, वहां पे BSF प्रोटेक्ट नहीं करती है। और नागालैंड में और एक जो है वर्ल्ड वॉर का सिमेंट्री है जो कोहिमा में, उसका नाम है वीर स्मृति। तो इसका सही आंसर जो है ये है नागालैंड।
तो ये थे हमारे 31 जनवरी 2020 के सबसे जो इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स, उसको हम लोगों ने एमसीक्यू फॉर्मेट में डिस्कस किया। तो ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च की जरूरत है, और आप लोगों का सपोर्ट हम लोगों को बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है और भी हार्ड वर्क करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए स्टडी राइज, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।